दोस्तों, केके हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूट्यूब पे इन केस आप कमेंट करते हैं तो कमेंट को कैसे हम बोल्ड, इटैलिक्स या स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, राइट। इस स्टाइल में हम कैसे कमेंट बेसिकली पोस्ट कर सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने केके हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोज़ मैं रेगुलर बेसिस पर इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूँ कि पहला हम देखते हैं कि इन केस आप देखते हो कि यूट्यूब पर जब भी आप कमेंट्स करते हो, राइट, जब भी कमेंट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल फॉन्ट होता है, राइट। कभी क्या हो सकता है कि आप किसी को कोई किसी भी यूट्यूबर को आप कुछ कमेंट करते हो, आप चाहते हो कि आपका कमेंट हाईलाइटेड हो, राइट, जल्दी नज़र में आए, राइट, तो आप क्या कर सकते हो कि इन कमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, बोल्ड में पब्लिश कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो बोल्ड में करने के लिए पहला है बोल्ड, फिर हम देखेंगे इटैलिक्स में कैसे कर सकते हैं और फिर फाइनली स्ट्राइक थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो बोल्ड में इन केस कुछ कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है होगा कि सबसे पहले स्टार प्रेस करना है, उसके बाद जो भी टेक्स्ट, जो भी मैसेज आपको लिखना है वो लिखना है। जैसे हमें मैं लिख देता हूँ कि थैंक यू सो मच सो मच, राइट। किसी ने मुझे वीडियो को कॉम्प्लीमेंट किया है तो मैं थैंक यू सो मच लिखता हूँ। उसके बाद लास्ट में भी स्टार देना है। उसके बाद जैसे ही आप पोस्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि ये कमेंट बोल्ड हो गया, राइट, क्लियरली बोल्ड हो गया। तो स्टार शुरू में देना है, लास्ट में देना है, बीच में कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, पोस्ट करोगे तो बोल्ड हो गया। सेकेंड मैं बताऊँगा कि इनकेस कुछ कमेंट्स आप करना चाहते हो तो उसे हम कैसे इटैलिक्स में करेंगे, राइट। ये नॉर्मल फॉन्ट है लेकिन इटैलिक्स में कैसे करेंगे। जैसे मैं, ये भाई साहब मेरे वीडियो को, इन्होंने नाइस वीडियो कहा है तो इसको इसको भी मैं इनको थैंक्स बोलता हूँ, ठीक है ना। तो इसको इटैलिक्स में मुझे पोस्ट करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्कोर लिखना है, उसके बाद जो भी मैसेज है वो लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ थैंक यू ऐसा करके और फिर अंडरस्कोर लास्ट में, ठीक है ना। अंडरस्कोर शुरू में, अंडरस्कोर लास्ट में, बीच में आपको जो भी मैसेज लिखना है वो लिखना है। उसके बाद जैसे ही आप पोस्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि मैसेज इटैलिक में प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये दूसरा ट्रिक था। तीसरा ट्रिक है कि आप लेट्स से कि आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो मैसेज को, राइट। जैसे कोई किसी का रिप्लाई मैं दे देता हूँ, ये विवेक आर्यन, इनका रिप्लाई दे देता हूँ मैं, तो दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, ऐसा करके इन्होंने कमेंट दिया है। तो मैं यूजली यहाँ स्ट्राइक आउट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ मैसेज आपको स्ट्राइक आउट करना है, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए देता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ थैंक यू सो मच विवेक ऐसा करके, और इसको मैं चाहता हूँ कि स्ट्राइक आउट हो जाए मैसेज, राइट। तो आपको क्या करना है कि शुरू में आपको क्या करना है, हाइफन हाइफन लिखना है और मैसेज के लास्ट में अगेन हाइफन लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको पोस्ट करना है, रिप्लाई पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो कि मैसेज क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, राइट। तो ये तीन ट्रिक था, जब भी आप यूट्यूब पे आप कमेंट करते हो तो इन तीन ट्रिक का आप यूज कर सकते हो। जैसे किसी की बात आपको पसंद नहीं आई या गलत बोल रहा है तो जहाँ वहाँ पर स्ट्राइक आउट करना है, राइट, स्ट्राइक थ्रू करना है तो स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और के हिंदी ज्ञान को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।